हेलो फ्रेंड्स, खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ हो चुका है। मैं अपने सिंपल गार्डन पे आ गई हूँ। आज की वीडियो से पहले आप सबको मेरा गुड मॉर्निंग, आदाब, प्रणाम और सत श्री अकाल। सच्चे पातशाह जी ने बहुत ही खूबसूरत सी सुबह जो कर दी है। आज फॉग तो नहीं है पर हवा बहुत चल रही है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत डाउन चल रहा है। तो आज की वीडियो में आपको मैं जो साफ़ सफाई करी है, 2-3 दिन मेरा वीडियो नहीं आया तो वो ही दिखाऊंगी। इस साफ़ सफाई से पहले का जो मंजर है वो भी दिखाऊंगी। तो आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मैं बेहद खुश हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ कि मेरे को इसका लाइक समझा आप सब ने, मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। तो आज के चैनल में मैं दिखाऊंगी, एक तो ओवरव्यू यहाँ से शुरू करते हैं। ये सब मैंने साफ़ सफाई की है, तो फ्रेंड्स आज जो है मैं रिपोर्टिंग भी दिखाऊंगी। तो ये जो कॉर्नर है उसमें जो कपड़ा सा ऊपर दिया ना पॉलीथीन, वहाँ पे मैंने तुलसी को लुको कर रखा है, ढक कर रखा है ताकि इसका जो सर्दी है उसका इसके ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े। उसके बाद इस साइड है जो मैंने साफ़ सफाई की है, कांट छांट की है पौधों की, तो ये भी दिखाऊंगी और रिपोर्टिंग दिखाऊंगी जो मेरे पास पे आज की पनीरी रखी थी वो दिखाऊंगी। एक मिनट ये व्यू देख लीजिए। तो मैंने 2 दिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो आज सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना ये जो टब है। ये मैंने एक और टब जो तैयार कर रखा है, ये इसमें भी मैं आज प्याज लगाऊंगी। ये उस दिन लगाया था प्याज, अभी एक्टिव नहीं हुआ, अच्छे से एक्टिव हो जाएगा। और इस जो गमला है 18 इंच का गमला है, इसमें मैंने जो बथुआ नहीं होता बाथू, वो उसके सीड लगाए हैं। इसमें भी बथुआ है और इसमें एक टमाटर का पौधा है, ये भी अपने आप से खुद से ग्रो हुआ है। तो उसके पीछे जो है मेरे स्नेक प्लांट है, ये मैंने सेव कर रखे हैं। जिस भी गमले में लगाती थी तो वो टूट जाता था, इतने सारे बेबी ग्रो होते हैं इसके, तो इसीलिए मैंने इसको ये कट्टों में डाल दिया। किसी को ज़रूरत होती है तो मैं उसको दे देती हूँ, किसी को स्नेक प्लांट चाहिए तो उसको दे देती हूँ मैं। इससे आगे है ये ग्लो का है जो कट्टा है, जिसमें थोड़ी थोड़ी सी जो है जिसको लाल बादशाह बोलते हैं वो प्लांट है, उसकी थोड़ी सी जड़ें मैंने ऐसे ही रख दी थी तो वो ग्रो हो गई है। उसके बाद ये कॉर्नर में है हमारा ये कोई क्या बोलते हैं उसको हेज प्लांट है, उसमें जो हेज प्लांट है उसमें लगाया, उसको बोनसाई बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इसकी कटिंग करती रहूँ, नीचे से काफ़ी मोटा हो चुका है। तो इसके नीचे है जो एक कट्टों में है, इसमें टमाटर के ही पौधे हैं, इसमें एक में अजवाइन का पौधा है, ये मिर्ची का पौधा है, पिछले साल का है, इसको मैंने प्रून कर रखा है। उससे आगे भी ये मिर्ची का पौधा है ऑरेंज वाले कट्टे में, उससे आगे भी ये सब टमाटर के पौधे लगे हैं जो खुद से ग्रो हुए हैं। तो ये जहाँ पे भी ये अभी बेल वाला टमाटर है, इसको भी फ्लावरिंग हो रही है अभी, इसको छोटे छोटे टमाटर भी लगे हैं बीच बीच में। तो ये जो मेरे सामने रखे हैं ना ये पॉट्स, इसमें मेरे अपने आप से ग्रो हो गए थे
कोई किसी गमले में, कोई किसी में, ये बरगद के पेड़ हैं, दो पीपल के पेड़ हैं, उनको मैंने ये बोनसाई पॉट में रिपोर्ट कर दिया था। अब तो ये डोरमेंसी में है, इसको बोनसाई बनाने की भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो उससे आगे ये टमाटर का पौधा है, कट्टे में लगा हुआ है, इसको तो आ भी रहे हैं टमाटर, तो निकाल भी ले हैं इसके, अब और भी लगे हैं इसको, ये देखें इसको भी लगे हैं। तो उससे आगे है ये एलोवेरा, ये लगभग लगभग 10 साल हो गए होंगे। इसमें ड्रेनेज होल भी नहीं है, ये घड़े का निचला पार्ट है उसमें लगे हैं। हम गांव से लाए थे इसको, तो इसमें थोड़े से प्लांट मैंने लगाए थे, तो बेशुमार इसमें से प्लांट निकाल कर मैंने दे भी दिए हैं। मेरे बाहर क्यारी में भी लगे हैं, गमलों में भी लगे हैं, तो जूस भी करते हैं इसका। इसका जूस जैसे बालों में लगा लिया, फेस पे लगा लिया, काफ़ी ज़्यादा जूस मेरे घर में इसका होता रहता है, तो इसकी अचार भी बनाते हैं, सब्ज़ी भी बनाते हैं। जो ना इसका, हमारे जो दादाजी से वो बोलते थे भी जो कमर दर्द होता है इसकी सब्ज़ी खाने से कमर दर्द ठीक हो जाता है। तो उसके बाद मैं अपना ये टब दिखाऊंगी आपको, जो जिसमें मूली लगी थी, इसमें सब ये आज मूली वगैरह निकाल दूंगी। तो ये इधर है जो ये टमाटर की पनीरी है, मैंने टमाटर के थोड़े थोड़े पीस बीज निकाल कर इसमें गिरा दिए थे, तो ये इतनी सारी पनीरी जो हो चुकी है। एक दो गेंदे के प्लांट भी है, इसको भी मैं रिपोर्ट करूँगी। तो ये मूली सब आज निकाल के इसमें भी मैं प्याज लगाऊंगी। तो उससे आगे इधर से मैंने मूली सब निकाल दी, ये छोटे छोटे अभी हो रहे हैं, इसमें मैं थोड़े से लहसुन की कलियां लगाई है इस कॉर्नर में। तो बाकी के टब में मैं साफ़ सफाई करके आपको बाद में दिखाऊंगी। तो इसमें मैं सब प्याज लगाऊंगी, मूली सब निकाल देंगे आज। ये देखिए मूली लगी हुई है इसमें अभी। तो उसके बाद ये मेरे ये कॉर्नर मैं नहीं दिखाऊंगी, इसमें भी ये मिर्ची मुर्ची है, तो और एक मेरा प्लांट है जो तुलसी का, वो सूख गया है, उसको मैं ढकना भूल गई थी। तो उसके बाद हम इधर आ जाते हैं, ये भी मेरे जो पाउच है ना उसमें मैं कटिंग वटिंग लगाती रहती हूँ, कोई भी छोटा प्लांट है वो लगा देती हूँ। हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो यहाँ पे मेरा मनी प्लांट रखा हुआ और ईर का पाम है रखा हुआ, इसके सामने मेरा ये कटिंग ही थी, इसमें भी एक तुलसी हो रखी थी, ये भी सूख गई है, मैंने इसको निकाला नहीं है। तुलसी मैं ऐसे वैसे नहीं निकालती, इसको लगी रहने देती हूँ, शायद ये बच जाए तो चल पड़ेगी। तो इसके नीचे ये गजानिया का प्लांट पड़ा है और ये सरसों का प्लांट भी है, खुद से ग्रो हुआ है। ये रेड वाले जो पॉट हैं इसमें ना वो क्या होते हैं, येलो बेल, और वो उसके दो प्लांट लगे हुए हैं। ये मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगी, किसी को चाहिए हो, मेरे पास तो दो बहुत बड़े प्लांट हैं। तो यहाँ से हमारा जो सर्दी के प्लांट है वो शुरू हो रहे हैं। ये मैंने 2-3 महीने पहले ये मनी प्लांट का जो बना रखा है, अभी डेवलप नहीं हुआ, इसके ऊपर चढ़ा रखी है मनी प्लांट की, जो गोल्ड रिंग बनाया है इसमें, जो होता है जूट की रस्सी लपेट कर, उससे आगे ये मेरा क्रोटोन का पौधा है, इसमें मिट्टी डली हुई है, अभी मैंने इसको धोया नहीं, कहीं इनके पत्तों पर फंगस ना लग जाए। तो इसमें भी जो गेंदे के प्लांट हो रखे हैं, तो ये भी मैं निकाल के कहीं और रिपोर्ट कर दूंगी। ये सब मेरे पानी में रखे हुए हैं, जो डेविल्स बैकबोन रखा हुआ और स्नेक प्लांट, कहीं टूट वूट जाता है तो मैं इसमें रख देती हूँ। तो इससे आगे है जो ये मेरे स्टॉक फ्लावर हैं, गिजानिया हैं, इसके आगे ये बर्बीना है, एक जिसमें कोई फ्लावर नहीं आया है, इसमें पिंक कलर का है, और आगे दो कलर का है, उससे आगे ये मेरा पेटूनिया है रेड कलर का, और ये पेटूनिया है, इन दोनों में अभी जो फूल आए थे वो मैंने काट दिए और अभी और आने वाले हैं। ये मेरा डॉग फ्लावर है, इसमें थोड़े थोड़े
थोड़े कम ज़्यादा आ ही रहे हैं फ्लावर। ये मेरा डहेलिया का है, इसका ये एक फ्लावर लगा था वो मैंने काट दिया। तो अब इससे नीचे से जो जहाँ से काटा है काफ़ी सारी ब्रांचेज इनकी आ रही हैं जिन पे न्यू ग्रोथ निकलेगी। तो फ्रेंड्स आगे भी ये गजानिया का है, ये ऑरेंज कलर का है। तो ये मैंने खुद से पॉट बनाया था, एक डब्बे का पॉट है। इसमें ये बालसम, मैं शायद भूल रही हूँ इसका नाम, वो लगा हुआ रेड कलर के जिसको फ्लावर आते हैं। उससे आगे ये दो डेंथस हैं, एक रेड और एक पिंक। पिंक की मैंने प्रूनिंग कर रखी है, इसके जहाँ से प्रून की है वहाँ से काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं और ये आगे होंगी। तो उससे आगे ये मेरे वेस्टी हैं, ये वेस्ट हैं सब। पॉट मैंने खाली किया है, इसमें गेंदे की रीपॉटिंग करूँगी। तो गेंदे की रीपॉटिंग और जो प्याज की रीपॉटिंग है वो आपको बाद में दिखाती हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर में। वेलकम अगेन फ्रेंड्स। वो मैं जो है इनमें वेस्ट मटेरियल में ये जो गेंदे की पौध थी मेरे एक प्लांट में लगी हुई थी क्रोटोन में, वो मैंने रिपोर्ट कर दी है। और ये एक डब्बे में मैंने एक गॉम्फ्रीना का प्लांट लगाया है, ये भी मेरे किसी पॉट में ही लगा था। ढेरों प्लांट मेरे ऐसे पॉट में लगे रहते हैं। और देसी पेटूनिया के दो प्लांट मैंने लगा दिए, तो ये रिपोर्टिंग मैं कर चुकी हूँ। तो इधर भी मैं दिखा देती हूँ, जो टमाटर की पनीरी थी वो मैंने ऐसे जो मशरूम के डब्बे होते हैं उसमें निकाल दिए। धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, कहीं ज़रूरत हो तो इसमें से प्लांट निकाल के हम रिपोर्ट कर सकते हैं। ये टब मैंने साफ़ कर दिया है, इसमें जो पनीरी थी वो मैंने लगा दी है थोड़ी थोड़ी सी। तो ये मेरे को प्याज नहीं चाहिए, ये सिर्फ ग्रीन लीव्स के लिए मैंने लगाए हैं। हर साल मैं लगाती हूँ तो ऐसे बढ़ते रहते हैं, तो जो ग्रीन लीव्स हैं हमको मिलते रहते हैं। जैसे तड़का लगाना हो, चटनी बनानी हो, तो मैं इस बार लेट हो गई थोड़ा, तो मैंने ये रिपोर्ट कर दिया टब में। तो वो जो सामान है, जो मूली निकाल दी है, जड़े बड़े सब निकाल दिए हैं। इसमें नीम के पत्ते रखे हैं लिफाफे में मैंने, और इस लिफाफे में गोबर की खाद है, ये सब मैंने कर दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो एंड करते हैं, उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो जो भी मेरे में कमी है, जो मेरे को नहीं पता है, वो मेरे को बताना। तो इतना सारा कुछ करते हुए मैं वीडियो एंड करती हूँ। सच्चे पातशाह जी सबको सलामत रखे, सबको सेहत दे, सबको खुशियाँ दे। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कमेंट करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।